हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए फाइनली हमने साइंस की नई सीरीज स्टार्ट कर दी है। साइंस का हमारा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे और सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज हमारी ये रहेगी। गाइस, साइंस के जितने भी स्पेशल लेवल के क्वेश्चंस आपके आबकारी में बने हैं, इससे आपको आइडिया लग चुका है कि किस टाइप का आपका पैटर्न है और किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इस सीरीज में हम टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करवाएंगे हर वीडियो में, ताकि आपका एग्जाम से पहले पूरा कवर करवा दें। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, पहला क्वेश्चन बना है हमारा, आंख की रिक्त स्थान आंख के निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता है तो इसको दीर्घ दृष्टि बोला जाता है। आंख के निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और इसी तरह आंख से दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में जो असमर्थता होती है उसको निकट दृष्टि कहते हैं। तो ये दो दोष होते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। आई थिंक आप इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक कौन सा था? तो ये 1981 से 1990 वाला जो दशक है, ये पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक था। अगला क्वेश्चन है, मुख्य गैसीय प्रदूषक है जो वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये क्वेश्चन आपका आबकारी में भी एज इट इज पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा जल जल का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ग कवक की अभिलक्षणित विशेषता है? तो ये डिकम्पोजर इसको बोला जाता है। किस कार्बन में 30% से कम कार्बन होता है? तो ये पीट होता है, इसमें 30% से कम कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में आयोडीन की खोज की गई थी? तो आयोडीन की खोज की गई थी 1811 में। गाइस, आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया इसका डेमो तो जरूर से चेकआउट करिएगा। इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है एमपी की नंबर 1। इसके अलावा एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये हमारी ईबुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डाला हुआ है। एक क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। साथ ही इसी में हम आपको नेशनल लेवल का भी करवा रहे हैं, तो आप इसको जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी डिटेल वहीं पर मिल जाएगी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले अजैविक कारक अब तक सबसे महत्वपूर्ण है, रिक्त स्थान है, तो भौगोलिक अनुकूलता ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु होते हैं? फास्फोरस के अणु में 4 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तन्य नहीं है? तो सोडियम जो है ये तन्य धातु नहीं है। निम्न में से किस कपड़े में पौधे और जानवरों से रेशे प्राप्त नहीं होते हैं? तो ये रेयान होता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो निम्न में से कौन सा रोग है? तो पोलियो एक वायरल रोग है। यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यहाँ रिक्त स्थान शोषण कहलाता है, इसको वायवीय शोषण बोला जाता है। इस तरह से आबकारी में क्वेश्चंस बने हैं, मनुष्य के द्वारा ली गई श्वास को कौन से गैस छोड़ी जाती है, कौन से ली जाती है, किस तरह की सांस लेने को यानी श्वसन बोला जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे हैं। हमने पूरा आबकारी का एनालिसिस करवाया है, आप सभी को आई थिंक पता होगा, तो जिसमें हम पूरा आपको आइडिया बता देंगे गाइज ऐसे ही कि कहां कहां से आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन सा क्वेश्चंस पूछे गया है, इसमें से जो भी पूछा गया होगा वो भी आपको बताते चलेंगे, ताकि आपको भी आइडिया लग पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण नहीं है? तो विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारे को गर्म हवा से भरना एक रिक्त स्थान परिवर्तन है, तो ये शारीरिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, WBC का मतलब है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने वाले उपकरण को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसको एनीमोमीटर बोला जाता है। गार्डन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं? दुराग्र संधि इसको बोला जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए रिक्त स्थान एसिड एक साथ जुड़ता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड एक साथ जुड़ता है। निम्न में से कौन एक बीजी पौधे की विशेषता नहीं है? मुख्य जो जड़ है ये एक बीजी पौधे की विशेषता नहीं है। कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए सिरका का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिकेशन
माफ कीजिएगा यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है, तो बढ़ा हुआ बीओडी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजोन क्या है। मेटाजोन बहुकोशिकी जीव है, मोमबत्ती स्याही क्रेयोन आदि बनाने के लिए रिक्त स्थान उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है, तो देखिए दवाइयों की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है टी डबल एस का मतलब क्या है। कुल निलंबित ठोस इनको बोला जाता है। कैंसर होने का एक कारण रिक्त स्थान होता है, तंबाकू का सेवन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस निम्न में से कौन सा दृश्य प्रदूषक आपको ज्ञात नहीं है, है ना, दृश्य प्रदूषक आपको ज्ञात नहीं है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। क्या रोकने के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है। संक्रमक रोग जितने भी होते हैं ये रोकने के लिए टीकाकरण आवश्यक होता है। निम्न में से कौन कशेरुकी जंतुओं का एक प्रमुख वर्ग है, तो सरीसृप जो वर्ग ये वर्ग है ना, निम्न में से कौन यानी सरीसृप कशेरुकी जंतुओं का एक प्रमुख वर्ग माना जाता है। मनुष्यों में पानी सुविधा देता है, आंत्र कामकाज के लिए आपको याद रखना है। कौन सी गैस आंखों में जलन पैदा करती है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है, तो एलपीजी का उपयोग किया जाता है रसोई गैस के रूप में। निम्न में से कौन पशु साम्राज्य का एक संघ नहीं है, तो नेमा थ्रमिनिस इसको बोला जाता है। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन या रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, इसको सिंथेटिक ऊन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान कपास बनाने वाले पॉलिएस्टर का रासायनिक नाम है। देखिए कोशिका रस कपास बनाने वाले पॉलिएस्टर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका कोला का पीएच मान कितना होता है, 3.5 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है, तो इसको अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोला जाता है। एच आकार की कोशिकाएं जो उत्सर्जन करती है कहां पर पाई जाती है, तो नेमाटोडा में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है नेप्थलीन बॉल्स भी रिक्त स्थान से बनते हैं, तो कोल तार से ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान एक विज्ञान है जो सितारों ग्रहों और उनकी गति के अध्ययन से संबंधित है, तो खगोल विज्ञान इसको बोला जाता है। खगोल विज्ञान एक विज्ञान है जो सितारों तारों ग्रहों और उनकी गति के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के मनो सामाजिक विकास का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो ये एरिक्सन ने दिया था। मिट्टी को धारण करने के लिए केंचुए में मौजूद सूक्ष्म संरचनाएं होती है, तो सेंटे इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हीरुडिनेरिया के अंतर्गत आता है एनेलिडा बोला जाता है। एनेलिडा जो आता है ये हीरुडिनेरिया के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है, तो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक फाइला एचिनोमेंटा की विशेषता नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा एक फाइला एचिनोमेंटा की विशेषता नहीं है, तो शरीर कठोर खोल द्वारा संरक्षित है, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक रिक्त स्थान कोशिकाओं का वह समूह है जो रिक्त स्थान पर कार्य करता है, तो ऊतक एक अलग कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जन्मजात रोग का उदाहरण है, तो डाउन सिंड्रोम होता है जन्मजात रोग। WHO का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला ईंधन कौन सा के बारे में कौन सा गलत है, तो पैराफिन मोम आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु का पीला सिरा मोज़ेक रोग निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है। पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें रिक्त स्थान परिवर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो एमिनो अम्ल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें एमिनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वह ईंधन है जिसके उपयोग ज्यादातर परमाणु संयंत्रों द्वारा परमाणु विखंडन के लिए किया जाता है, तो इसको यूरेनियम बोला जाता है, याद रखिएगा। कवक जानवरों से मिलता जुलता है क्योंकि उनके पास में काइटिन होता है। जानवरों से मिलता जुलता है कवक क्योंकि उसके पास में काइटिन है। विलियम कलन को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, तो फ्रिज के आविष्कार का जो श्रेय दिया जाता है ये विलियम कलन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की आपूर्ति में कमी और इस तरह हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति के कारण हृदय की क्षमता क्या हो जाती है, रिक्त स्थान होती है, तो हृदय की जो क्षमता होती है ये कम हो जाती है। शरीर की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में रोग किसकी स्थिति है, तो यह अशांति की स्थिति होती है।
इनमें से कौन सूक्ष्म पोषण तत्व का उदाहरण है आपको बताना है। तो कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नीली बेल का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, बालानोप्टेरा मस्कुलस, इसका सही जवाब रहेगा नीली बेल का ये वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, वहां इकाई है जिसमें किसी ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो गाइस जे के किलोग्राम वहां इकाई है जिसमें किसी ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में निषेचन के बाद बीजांड विकसित होते हैं। तो ये बीज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो मीथेन और कार्बन इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिवर वॉटर्स आमतौर पर रिक्त स्थान में बढ़ते हैं। तो नम मिट्टी और नम चट्टानों में ये बढ़ते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रांट बेटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक है। तो ये जो है उष्म प्रवेगिकी का विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको बताना है ये जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, आई थिंक आप सभी को ये पता होगा। निम्न में से कौन विटामिन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, तो जीवाणु आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्न में से किसके पास मनुष्य की तरह फेफड़े की जोड़ी होती है, तो ये मेंढक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों में नहीं फैलता है, मधुमेह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें से कौन सा अधातु उपधातु नहीं है, तो पीतल जो है उपधातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का उपयोग आटे को मजबूत करने वाले के रूप में किया जाता है, तो अमोनियम सल्फेट का उपयोग आटे को मजबूत करने के वाले के रूप में किया जाता है। एक रिक्त स्थान एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी निकाय पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए विद्युत दर्शी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विद्युत दर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी निकाय पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकता है और इसे प्रयोग करने के रूप योग्य रूप में परिवर्तन कर सकता है। तो इसको राइजोबियम बोला जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकता है और इसे प्रयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्मजात रोग का उदाहरण है, तो डाउन सिंड्रोम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में पाया जाने वाला उत्सर्जी तंत्र किसका युग्मक है, तो ये एंटीनोरी ग्रंथिया का है। अगला क्वेश्चन है, एगारिकस में गुणन किसके द्वारा होता है, तो ये बीजाणु के द्वारा होता है। निम्न में से कौन एक एलर्जन नहीं है, तो सांस फूलना ये एक एलर्जन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान फास्फोरस अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, तो सफेद फास्फोरस होते हैं ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक बिजली के तार का उपयोग करने के लिए बिजली के काम करने के लिए मैटर पर काम करता है, तो ये अर्थ होता है। जूल रिक्त स्थान की एसआई इकाई है, जूल ऊर्जा की एसआई इकाई है। विज्ञान की वह शाखा जिसका प्रयोग स्तन कैंसर के परीक्षण में किया जाता है, इसको मेमोग्राफी बोला जाता है। निम्न में से कौन विद्युत चालक नहीं है, तो गंधक विद्युत चालक नहीं है। निम्न में से कौन एक पूर्ण विकसित जीव है जो सुडोपोडिया की विशेषताओं के साथ में स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है, तो ये अमीबा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ग 2 परिरक्षण नहीं है, तो सिंथेटिक सिरका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, तो ब्यूटेन ये होता है और ये आपकी आबकारी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। आबकारी में ये क्वेश्चन बना है आपका कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है और जलता है क्या कहलाता है, तो प्रज्वलन ताप इसको बोला जाता है। भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरीबेरी एक विकार हाई है जो निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। किस गतिविधि को अस्वस्थ माना जाता है, धूम्रपान गतिविधि अस्वस्थ गतिविधि है, आप सभी को आई थिंक पता होगा। सीसा युक्त पानी के कारण रिक्त स्थान होती है, मानसिक मंदता आती है सीसा युक्त पानी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान लकड़ी के गूदे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो पेंसिल को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर को यह भी कहा जाता है, क्विक सिल्वर को पारा भी कहा जाता है। निम्न में से कौन अकशेरुकी जंतुओं के प्रमुख संघों में से एक है,
तो एकिनोड डर्माटा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सबसे बड़ी टैक्सोनॉमी श्रेणी है, तो ये प्रजातियों की है सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक श्रेणी। कौन सी गतिविधि स्वस्थ मानी जाती है, तो ये जल्दी सोना। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य रिक्त स्थान को प्रभावित कर सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ईंधन रिक्त स्थान ईंधन के दहन द्वारा छोड़ा जाता है, खतरनाक गैसें, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनिया की सीमा कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होती है, अम्लीय वर्षा तो सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होती है, और अम्लीय वर्षा से रिलेटेड आपके आबकारी में भी क्वेश्चन बना है। बीओडी के लिए खड़ा है जैविक ऑक्सीजन की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में शामिल है कीमोथेरेपी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चन कवर करवा चुके हैं, और देखिए जो पैटर्न आपका यहाँ पर चल रहा है, नए पैटर्न के क्वेश्चन है आपके, ये कुछ मेंटली क्वेश्चन है और कुछ आपके पढ़ना पड़ेंगे तब आप अच्छे से कर पाएंगे उनको, और कुछ का जवाब तो आप डायरेक्टली मेंटली ही आप कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे भी जा रहे हैं और अब भी पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। और गाइज ये जो क्वेश्चन होते हैं ये काफी लंबे बड़े होते हैं, है ना, तो इनको थोड़ा सा समझ कर ही किया जा सकता है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं नए पैटर्न कर, सारे क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, और हम आपको एग्जाम से पहला पूरा आपका जितना भी जीके साइंस नए पैटर्न का है पूरा आपको कवर करवा दें। गाइस अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की, एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की, इसके अलावा एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप चेकआउट करिएगा। इनके डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि डेमो चेकआउट करेंगे वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इनसे रिलेटेड, और काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।